हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अपर्णा श्रीवास्तव एंड आज मैं आप लोगों को बीकॉम सिक्स सेमेस्टर एंड बीकॉम ऑनर्स फोर सेमेस्टर का कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, इससे पहले बेटा मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने कुछ चीज़ें थी जो कंपनी लॉ के बारे में डिस्कस करी थी, जैसे उसके नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो भी आप लोग वो वाले लेक्चर्स भी देख लीजिएगा ताकि आपको कंपनी लॉ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर में बेटा मैं आप लोगों को लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल के बारे में पढ़ाऊंगी। लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल मीन्स क्या होता है बेटा? एक तरीके से कंपनी लॉ, कंपनी जो होती है जब भी स्टार्ट की जाती है तो लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट मीन्स क्या होता है, अगर कभी भी कंपनी कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन करती है या कंपनी के साथ कभी भी कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो ऐसे केस में बेटा वेल, देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ, वेल मीन्स होता है बेटा एक तरीके से पर्दा। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल मीन्स क्या होता है, जब भी कंपनी के साथ कोई भी फ्रॉड होता है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे केस में बेटा कंपनी की वेल जो है, वेल यानी कि उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ों को उठा के लॉ क्या करता है, देखता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट मीन्स सिंपली बेटा क्या होता है, देखिए जब भी एक कंपनी स्टार्ट होती है, इनकॉरपोरेट होती है, उसके पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद वो क्या कर देती है, अपनी बिजनेस स्टार्ट कर देती है। और हमको ये भी पता है बेटा जो लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल है उसका सबसे पहली बार जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों का सैल्मन वर्सेस सैल्मन केस में क्या हुआ था, सामने आया था। सैल्मन वर्सेस सैल्मन केस बेटा हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझाया है। इस केस में क्या था बेटा, जो सैल्मन था, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी जो थी, ये वाली जो पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ही लाइट में आया था। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब भी बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है 2013 के हिसाब से, उसके बाद कंपनी की एक अलग से सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है। अ कंपनी जैसे कि पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, उसकी आइडेंटिटी उसके पार्टनर से क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर बेटा कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन या हैपनिंग होती है कंपनी के साथ या फिर उसके मेंबर्स के साथ, तो दोनों की आइडेंटिटी को हम लोग अदर अलग अलग कंसीडर करते हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट की वेल की बात अगर हम लोग बेटा करते हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, कभी भी अगर कोई भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पर्दा लॉ जो है वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करती है, रीड आउट करती है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गलत चीज़ें हुई हों कंपनी में। ठीक है बेटा, आई होप आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल का मतलब समझ में आया होगा। एक बार आप लोग ये वाला पॉइंट देख लीजिए, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, द आर्टिकल विल गो ओवर व्हाट इज दिस डिफरेंशिएशन मीन्स, Why this democratization was brought about and how can the members be made personal liable for using the company as a vehicle for its undesirable purpose? Simply बेटा lifting of corporate veil कब होता है, अगर कोई भी member है वो company की rights को illegally use करने लगता है profit कमाने के लिए या फिर किसी और भी purpose के लिए, तो ऐसे case में बेटा हम लोग क्या करते उसको कॉरपोरेट वेल को हम लोग लिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब बेटा कॉरपोरेट वेल होती क्या है, हमें ये पता है बेटा कि कंपनी जो होती है वो सिंपली किससे बनी हुई होती है, उसके मेंबर्स और उसको मैनेज कौन करते हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। जब भी कंपनी बेटा इनकॉरपोरेट होती है उसकी जो स्टेटस होता है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का होता है। और इस केस में बेटा अगर कोई भी चीज़ें गलत चीज़ें होती हैं कंपनी में तो हम लोग क्या करते हैं, वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन करते हैं, यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गलत चीज़ें हो रही हों कंपनी में। अब बेटा अगर हम लोग बात करते हैं कि इनकॉर्पोरेशन, हमें ये तो पता है एडवांटेजेस क्या हैं इनकॉर्पोरेशन के, अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके पास परपेचुअल सेशन होता है,
उसकी लाइफ क्या होती है, वो चलती रहती है चलती रहती है। साथ ही साथ में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, वो कंपनी क्या है, वो स्यू भी हो सकती है और किसी को भी स्यू भी कर सकती है, और वो इजीली फ्लेक्सिबली क्या कर सकती है, चीज़ों को वो कर सकती है। यहाँ पे देखिए बेटा, आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग में ये दिख रहा होगा कि जो कंपनी है ये है उसके मेंबर्स कंपनी के, और ये है हमारी कंपनी की लायबिलिटी, और ये जो बीच में बेटा ये पर्दा है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक पर्दा होता है। अब ये पर्दा बेटा, जैसे मान लीजिए कभी भी कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कंपनी में, तो इस पर्दे को उठाया जाता है, इस पर्दे को लिफ्ट किया जाता है और सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उसमें मेंबर्स कितने हैं। क्या ऐसा तो नहीं है प्राइवेट कंपनी थी पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हिसाब से वो वर्क कर रही है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। आई होप इस डायग्राम से आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए बेटा, ये लायबिलिटी के ऊपर है कि ये कॉरपोरेशन है और यहाँ पे मेंबर्स हैं, अगर कोई भी गलत चीज़ें होंगी तो वो क्या होगा, उस चीज़ के लिए लायबल होंगे। अब आगे देखते हैं बेटा। इससे पहले बेटा हम आपको एक चीज़ बता दें, ये चीज़ पहले आप देख लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल मीन्स क्या होता है, सिंपली व्हेन अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑल द डीलिंग्स विद द कंपनी विल बी द नेम ऑफ द कंपनी। जब भी बेटा हमें ये पता है कि जब भी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो अब सारे जो मेंबर्स हैं वो कंपनी में किसके बिहाफ पे काम करते हैं, कंपनी के नेम के बिहाफ पे। अगर बेटा मैं किसी कंपनी की मेंबर हूँ तो जाहिर सी बात है बेटा, जो लोग हैं वो मेरी कंपनी में मेरे कंपनी के नाम के वजह से आएंगे, मेरे वजह से नहीं आएंगे। वो किसके गुडविल के वजह से आएंगे, कंपनी के गुडविल के वजह से आएंगे। इसी वजह से बेटा जो मेंबर्स होते हैं वो किसके उससे काम करते हैं, सारा कंपनी के नेम पे। दिस शोज़ दैट देयर इज़ अ वेल ड्रॉन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। और ये चीज़ हमें ये बताती है कि एक वेल, एक पर्दा है बेटा जो कि कंपनी को अलग करता है, किससे अलग करता है, उसके मेंबर्स से। दिस वेल इज पार्टीशन और कर्टन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल द कोड इज मोस्ट हैव रिफ्यूज टू गो बिहाइंड द कर्टन सी व्हाट इज द रियल पर्सन कंपोजिंग द कंपनी। तो बेटा अगर जब इस टाइप की कोई भी चीज़ें अगर कंपनी में होती हैं तो जो लॉ है, कोर्ट है, वो बेटा आता है और उस कर्टन को क्या करता है, लिफ्ट करता है और ये देखता है कि जो वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो कोई एक ऐसा एक्ट तो नहीं कर रहे जो कंपनी के लायबिलिटी के बियॉन्ड में जाके काम हो रहा हो, इस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम लोग लिफ्टिंग की बात करते हैं तो कंपनी में बेटा लिफ्टिंग जो होती है सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ़र करता है। अगर हम लोग बात करते हैं वेल की, तो बेटा वेल जो होता है कंपनी का वो दो तरीक़ों से होता है, अंडर ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन अब बेटा दूसरा होता है अंडर स्टैचुरी प्रोविजन, अंडर स्टैचुरी प्रोविजन, ठीक है बेटा, अंडर जुडिशरी प्रोविजन और अंडर स्टैचुरी प्रोविजन। अब बेटा जुडिशरी और स्टैचुरी में क्या डिफरेंस होता है, बेटा जब भी कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चीज़ें की कमी के वजह से या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कमी के वजह से कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ऐसे केस में जो बेटा कंपनी है वो जो लॉ है हमारा वो स्टैचुरी प्रोविजन के अंदर क्या करेगी, आपकी लिफ्टिंग करेगी कॉरपोरेट वेल की। और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में बेटा अगर आप कोई भी फ्रॉड वगैरह करते हो, मेंबर्स के द्वारा ऐसा कोई भी फ्रॉड होता है जो कंपनी में नहीं होना चाहिए, या फिर बेटा कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको अवॉइड कर रहे हो आप वेलफेयर वगैरह को, तो इस केस में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के ऊपर कंपनी के वो लॉ क्या करता है, कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करता है। अगर हम बात करते हैं बेटा आज वाली क्लास में हम केवल और केवल स्टैचुरी प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जुडिशरी प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर बेटा हम लोग स्टैचुरी प्रोविजन की बात करते हैं
तो इसमें ये लिखा हुआ है बेटा, एज़ पर सेक्शन 213 ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्ट 1986, फ्रॉडुलेंट ट्रेनिंग प्रोविजन रिक्वायर्स एन इंटेंट टू डी फ्रॉड, एंड सेक्शन 214 ऑफ AI 1986, रॉन्गफुल ट्रेडिंग प्रोविजन रिक्वायर्स टू प्रूव रॉन्ग डूइंग ऑन द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि बेटा कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि हम लोगों की क्या हो रही है, कंपनी की लाइबिलिटी उसके मेमोरेंडम के बियॉन्ड में हो रही हैं, ऐसी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, स्टैचुरी प्रोविजन करते हैं। अब बेटा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि कंपनी की जो वेल है उसको लिफ्ट कराया जाता है स्टैचुरी प्रोविज़न के अंदर। स्टैचुरी प्रोविज़न के अंदर मतलब कि बेटा कि उसकी लिमिटेशंस कौन सी ऐसी, वो कहाँ कहाँ पे क्या है लाइबल है इस केसेस में। अगर बेटा हम लोग बात करते हैं स्टैचुरी प्रोविज़न की, तो सबसे पहले बेटा आता है व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो द स्टैचुरी लिमिट। हमें बेटा ये पता है, अभी हम लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं स्टैचुरी लिमिट की, तो बेटा हमें ये पता है प्राइवेट, पब्लिक और वन पर्सन कंपनी, तीन टाइप की कंपनीज अगर हम मान लीजिए, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमें ये पता है बेटा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने पर्संस की रिक्वायरमेंट है। अगर बेटा हम लोग बात करें प्राइवेट कंपनी की तो मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 200%, पब्लिक की बात करें तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अगर बेटा हम लोग 1% कंपनी की बात करें तो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1। तो अब बेटा क्या होता है, अगर कंपनी बेटा ऐसा कोई भी काम कर रही है, जैसे मान लीजिए कंपनी रजिस्टर्ड हुई है प्राइवेट कंपनी से, ठीक है, बट बेटा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द टाइम बीइंग उसने जब रजिस्ट्रेशन कराया था तब उसके पास मिनिमम 2 मेंबर्स थे और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 200 है, तो उस टाइम पे उसके पास 20 या 25 मेंबर्स थे, तो उसने कंपनी स्टार्ट कर ली। बट बेटा कुछ समय के बाद क्या हुआ, उनकी जो लिमिट है वो 200 से एक्सीड कर गई, उनके यहाँ 256 मेंबर हो गए। तो इट मींस जो लॉ है वो आपको कुछ टाइम पीरियड का टाइम देता है कि आपके अगर कोई भी मेंबर्स कम हुए हैं तो उस लिमिट को, कम हुए या ज़्यादा हुए तो उस लिमिट को आप उस पीरियड के उस दौरान आप क्या कर लीजिए, उसको सही कर लीजिए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, जो कंपनी है अंडर स्टैचुरी प्रोविजन लॉस पे क्या कर सकती है, केस कर सकती है और उस पर फ्रॉड का भी केस लगा सकती है। क्योंकि बेटा हमें ये पता है कि मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 200 लोगों की ज़रूरत है अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आपको इसके लिए इतने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर बेटा ये चीज़ नहीं फुलफिल होती है तो आपके ऊपर क्या हो सकता है, केस हो सकता है। आई होप पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। इसी तरीके से बेटा आगे भी है कि हमारी पब्लिक कंपनी है, 1% कंपनी है, उसमें भी जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं। और अगर ये प्रोविज़न आप लोगों का वो नहीं होता है तो क्या होता है, आपके ऊपर केस किया जाता है। मैं आप लोगों को बेटा ये थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे है, इफ़ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज़ रिड्यूस बिलो 2 इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और सीन 7 इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड इट कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months वाइल द नंबर इज सो रिड्यूस, एवरी मेंबर हु नो टू द फैक्ट विल बिकम लाइबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंस फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेब्ट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है बेटा, आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब बेटा अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉस्पेक्टस। बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉस्पेक्ट क्या होता है, बेटा प्रॉस्पेक्ट क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी कंपनीज की सारी चीज़ों को क्या करता है, कवर करता है, आपकी कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कि कंपनी कब स्टार्ट हुई है, इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं,
उसमें कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, सारी चीज़ों को ये इन्वॉल्व करता है। तो अगर हम लोग बेटा बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्ट्स की, तो ये पॉइंट ये बताता है कि अगर मान लीजिए कंपनी कोई वर्क कर रही है और बेटा उसने बियॉन्ड द प्रॉस्पेक्टस कोई चीज़ करने लगी है, तो इस केस में भी बेटा स्टैचुरी प्रोविजन होता है, देखा जाता है कि कहीं आपने कोई भी गलतियां तो नहीं करी हुई हैं, उन चीज़ों के बारे में वो क्या करते हैं आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, फेलर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। अगर मान लीजिए बेटा कंपनी है, ठीक है, और कंपनी बेटा क्या हुआ, आपकी जो कंपनी है वो आपने शेयर्स अलॉट किए लोगों को, ठीक है, बट बेटा आप एप्लीकेशन मनी जो होता है वो आप देने में आप लेट कर रहे हो या किसी वजह से आप नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे केस में बेटा जो कंपनी है वो आपका क्या करती है, स्टैचुरी प्रोविजन के तहत वो क्या कर सकती है, आपकी कॉरपोरेट वेट को लिफ्ट कर सकती है और सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, चेक किए जा सकते हैं। फिर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, अगर बेटा कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए थी और आपने डिस्क्लोज नहीं की है, ठीक है बेटा, उसके बाद अगर देखेंगे तो हम लोग बेटा टू एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग इन सब्सिडी कंपनी। इस केस में भी बेटा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए बेटा कोई भी कंपनी ऐसी है जो होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडी कंपनी है, बेटा ये अभी हम लोग आगे टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी के बारे में, जिसमें बेटा एक कंपनी जो होती है वो दूसरी कंपनीज के कुछ परसेंट शेयर्स को होल्ड कर लेती है। जो कंपनी बेटा होल्ड करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी, एंड सब्सिडी कंपनी वो होती है जिसकी कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया जाता है। ऐसे केस में भी बेटा अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होता है तो कंपनी क्या करती है, आपकी बेटा कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट कराती है। उसके बाद बेटा इन्वेस्टिगेशन, अगर मान लीजिए कोई भी रिलेटेड कंपनीज या किसी ने कोई गड़बड़ वगैरह करी है, तो ऐसे केस में भी इन्वेस्टिगेशन होती है, और वन द बिजनेस इज कैरिड ऑन द डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, बेटा जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं जो जिन्होंने शेयर्स वो किए होते हैं या फिर जो भी क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, अगर उनके साथ भी बेटा कोई फ्रॉड होता है तो उस केस में भी कंपनी क्या करती है, बेटा जो लॉ होता है हमारा वो क्या करता है, कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा भी बेटा कुछ चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। आई होप पहले ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे कि स्टैचुरी प्रोविज़न क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हम लोग बेटा उनकी बात करते हैं लायबिलिटी की, तो हमें ये पता है बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिट करता है एक लिमिटेड एक्सटेंट टू शील्ड द इंडिविजुअल रिसोर्सेज और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स फ्रॉम इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी। बेटा जितनी चीज़ें जो भी कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं, जो उनकी वो होती है वो अप टू द लिमिटेड होती है, यानी कि वो केवल और केवल उसकी उनकी लाइबिलिटी उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रॉस्पेक्टस और एमलगमेशन में जितनी चीज़ें लिखी होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उतनी ही चीज़ों के लिए लायबल होता है। यानी कि उसके बियॉन्ड अगर वो कोई भी टास्क करता है तो वो क्या होगा, वो ऑब्लिगेशन होगा कंपनी के ऊपर। ऑलमोस्ट अपोजिट टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप इन विच द प्रोप्राइटर कुड बी कजिन चार्ज होता। अब बेटा देखिए कुछ एक्सेप्शंस हम लोगों के हैं, जैसे वन पर्सन कंपनी हो गया हम लोगों का और हम लोगों का वो सारी चीज़ें आ गई, तो उस केस में बेटा वो है, बट बेटा उसके अलावा जो है कंपनीज को क्या है वो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा हमें जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर इन्वेस्टिगेट होता है, तब जाके मान लीजिए कोई भी गलत चीज़ें हो रही होंगी, फ्रॉड हो रही होंगी, बिलो लिमिट है, तो इन सारे केस में क्या होता है बेटा कंपनी की जो लायबिलिटी होती है।
क्या बेटा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा जितनी भी चीज़ें हमने आप लोगों को बताया है। ठीक है बेटा, चलिए फिर, ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू क्लास।